खरगोन शहर में रविवार को रघुवंशी और सगर वंशी माली समाज ने अलग अलग समय पर कावड़ यात्राएं निकाली। दोनों यात्राओं से शहर का माहौल धर्ममय बना रहा। कावड़ियों द्वारा लगाए जा रहे जयकारों और भक्ति गीत गुंजायमान होते रहे। रघुवंशी समाज ने पहाड़ सिंह पुरा से जबकि माली समाज ने जेतापुर से यात्रा की शुरुआत की। इस धार्मिक यात्रा में बच्चों, युवाओं, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। यात्रा का शहर के विभिन्न इलाकों में स्वागत मंच लगाकर स्वागत किया गया। साबुदाना, खिचड़ी, छाछ, फल आदि श्रद्धालुओं में वितरित की गई। दोनों यात्राएं मैलडेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां अति प्राचीन मैलडेरेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये कावड़ यात्रा रघुवंशी समाज के तत्वाधान में निकाली जा रही है और ये पूरे देश के लिए सुख समृद्धि और अच्छी मनोकामना के साथ निकाली जा रही है। द्वितीय वर्ष आई है, पिछले वर्ष भी निकली थी, इस वर्ष भी निकल रही है और सभी की सुख समृद्धि कामना करते हुए निकल रही है। कावड़ ये हनुमान मंदिर इमली के नीचे से बरघाट अपने यहाँ से मेलडेश्वर महादेव मंदिर तक जा रही है। तिलोक डंडी कावड़ यात्रा, इस कावड़ यात्रा में भागीरथ जी स्वयं नेतृत्व तो कर रहा है, जिन्होंने मतलब जो वंशज थे उन वंशजों का उद्धार के लिए मुख्य भूमिका श्री गंगा जी ने धरती पर अवतरित किया। उसी के उपलक्ष्य में भागीरथ जी स्वयं आज एक छोटा जल श्री भोलेनाथ जी के नाम से इस कावड़ यात्रा को प्रारंभ कर प्रथम भागीरथी कावड़ यात्रा का नाम रखते हुए आज श्री गणेश मंदिर से मेलेश्वर मेलेश्वर घाटी से यात्रा जल अर्पित किया जाएगा भोलेनाथ जी को, उसके बाद यात्रा का समापन होगा। यह पहला वर्ष है और श्री क्षत्रिय सगर वंशी माली समाज के ही यहाँ से अपन माता बन गए बड़े बुजुर्ग सम्मिलित है। हाँ, यह भविष्य में बिल्कुल याद चलता रहेगा, प्रति वर्ष प्रति वर्ष चलता रहेगा श्री कृष्ण मंदिर जेतापुर प्रकोट। ये भागीरथ जी के नाम से इस बार पहली सगर वंशी माली समाज की ओर से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। वो वर्षों से जब से खरगोन में माली समाज आया, यहाँ पर बीहड़ जंगल थे, हमारे समाज ने यहाँ बीहड़ जंगलों को काट काट करके पूरा खरगोन को खेती लायक बनाया। आज उसी का ये परिणाम है कि भगवान भागीरथ जी के हम सारे वंशज एक तरह से पूरे खरगोन वासियों के लिए माँ गंगा भारती के आशीर्वाद से आज खरगोन पूरा अमन चमन से अमन चैन से रह रहा है और सारा हरियाली से भरा हुआ है। आज हमारी ये पहली कावड़ यात्रा है भगवान भागीरथ जी के नाम से। बहुत समय से युवाओं की एक मांग थी कि सारे समाज भगवान भोले के श्रद्धा के लिए कावड़ यात्रा निकालते, क्यों ना हमारा माली समाज जो वास्तव में भगवान शंकर की जटाओं में से माँ गंगा को लाया था, हम अपने समाज की पहचान क्यों नहीं बनाना चाहते। आज पूरे खरगोन जिले ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो नेतृत्व है वहां से भी हरी झंडी मिली कि आप प्रथम कावड़ यात्रा निकालो और केवल समाज की ही निकालो। इसमें लगभग समाज का एक एक बच्चा, लगभग 15,000 श्रद्धालु इसमें शामिल हो। ये खुशी की बात है कि आज पहली बार कावड़ यात्रा निकाली है जिसमें बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं। मैं बाबूलाल राठौर, अध्यक्ष सगर वंशी माली समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।